आचार्य भगवान ने जब उस साधु के लिए ये कहा कि असंतुष्ट होकर के आहार ग्रहण मत करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, जैसा मिले उसमें संतुष्ट रहो, जब मिले उसमें संतुष्ट रहो। अब प्रश्न ये नहीं है जब मिले रात्रि को मिले तो करें, सायंकाल मिले तो करें। यहाँ तात्पर्य आचार्य भगवान का सिर्फ यही है। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं जब विहार करता है संघ या साधु, विहार करने के उपरांत कहीं आपके कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं बनी, हो सकता है आज विहार लंबा करना पड़े। लंबे विहार में जहाँ 2 घंटे लगते थे, विहार में आज 3 घंटे भी लग सकते हैं। 3 घंटे का तात्पर्य हो गया कि 1 घंटे के विहार का मतलब कि 5 किलोमीटर की दूरी और बढ़ गई। 5 किलोमीटर दूरी और बड़ी थकान होगी शरीर में, हो सकता है आज दूसरी बेला में आहार हो। हम दूसरी बेला के लिए भी अपने परिणामों को गिराए नहीं, इसलिए हमारा मन मस्तिष्क इतना सुंदर बनाएं कि इस मन मस्तिष्क के अंदर विष का नहीं वरन इस मन मंदिर के अंदर अविष का जन्म होना चाहिए। अगर विष का जन्म होगा तो आपका दिमाग ताने बानों में लगा रहेगा, और अविष का विष होगा, अविष का जन्म होगा तो आपका दिमाग किसी दूसरे के लिए आशीषों में लगा रहेगा। आशीष ही है लक्षण जिसका, उसे अविष कहते हैं, और दृष्टि में है घोर विष जिसके, उसे विष कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने हमें 112वीं कारिका के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा बताने का प्रयास किया है। हम अपने इन परिणामों को, कहीं ऐसा ना हो कि विष के विचार में, भ्रम के विचार में अपने आप को हम अच्छा करने की बजाय किसी जीव को पकड़ने का पिंजड़ा बनाने की सोचने लगे। क्योंकि जितने क्रूर परिणामी होते हैं, दंभ परिणामी होते हैं, उनका काम यही होता है, वो नीच कर्म करता है। और जो योग्य होता है, योग्य पिता की संतान होता है, योग्य गुरु का शिष्य होता है, वो कभी भी गुरु के आगे अपने पदचापों को परिवर्तित नहीं करता। पिता की चरण पर चलता है, आचरण पर चलता है, लेकिन उनकी दौलत लेने की इच्छा नहीं करता। आचार्य भगवान कहते हैं जिसके जैसे परिणाम चल रहे हों, अगर अहम के परिणाम हैं तो आप ताने बानों में लगे रहोगे, अरहम के परिणाम हैं तो सुलझने में और सुलझाने में लगे रहोगे। हम ताने बाने में ना लगें, हम सुलझने और सुलझाने में लगें। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इन सुलझने और सुलझाने वाला व्यक्ति, आत्मा, साधु, सज्जन, जब ताने बानों में नहीं लगेगा तो तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की ऐसी इच्छा नहीं जगेगी कि मुझे ऐसा ही मिले। आचार्य भगवान 113वीं कारिका में कहने चलते हैं आहार की शुद्धि कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एक साधु का आहार, और साधु के आहार जितना महत्वपूर्ण होता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधु के खुद के विचार होते हैं, और साधु के विचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण दाता के विचार होते हैं। दाता किन सद्विचारों का है, उसने आहार किस विधि से और किस परिणाम से तैयार किया है। अगर दाता का उद्देश्य यही है कि मैं अमुक साधु को ही इस चीज़ दूंगा, तो निश्चित मान करके चलना उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। वो दाता पक्षपात से युक्त है, और जिस दाता के परिणाम ये हों, ये सब यतिराज मेरे अपने हैं, मोक्ष मार्गी हैं, इनको सबको एक सा भोजन, एक सा आहार मुझे देना चाहिए, वो दाता सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब हमारे परिणाम ताने बाने में चल रहे हों, अहम के चल रहे हों,
अहम के परिणाम चलने वाले के मिथ्यात कर्म का उदय बहुत दूर नहीं होता, और जिसके परिणाम अरहम के चलते हैं उसका सम्यक्त उसके चरणों में लोटा करता है, उसका सम्यक्त उसके चरणों को चूमा करता है। यही तो कारण है जिसका सम्यक्त चरणों को चूमता है उसके चरण पूजनीय आचरणीय बन जाते हैं, और जिनका सम्यक्त चरणों से दूर हो जाता है उसके चरण आचरण की बजाय दुराचरणीय बन जाते हैं। बाना मात्र से क्या होगा, आचार्य भगवान ने बड़ी स्थिति में कह दिया कि उसकी दुर्गति निश्चित है। याद है ना अपने को, रावण का जीव जब केकसी के गर्भ में आया, केकसी माँ थी रावण की, जब उसके गर्भ में आया तो माँ के भाव ने क्या बोला कि चमचमाती तलवार में मैं अपना चेहरा देखूं। उसे दुर्लभ हुआ था, गर्भ में कोई भ्रूण होता है तो माँ को दोहला होता है। शुभ शुभ दोहले हों तो समझो पुण्यात्मा भ्रूण है, अशुभ दोहले हों तो समझो पापात्मा भ्रूण है। कोई पापी तुम्हारे गर्भ में पाप का बदला लेने आया है, और यदि अच्छे स्वप्न हों, अच्छी इच्छाएं हों तो समझो कोई पुण्यात्मा अपने उपकार का कर्ज चुकाने आया है। तात्पर्य सिर्फ यही है, क्रूर परिणामी इस उदर में बैठा है। केकसी के भाव जब ये हुए कि मैं अपना चेहरा तलवार में देखूं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि कोई जो जीव है वो कैसा है, पापात्मा है, क्रूर परिणामी है, जिसके परिणामों में सत्यता नहीं है, दया नहीं है, क्रूरता है। और जब नंदश्री के गर्भ में अभय कुमार गर्भ में आए तो उनके मन में क्या हुआ, उनके मन में विचार आया कि पूरे नगर के अंदर हर प्राणी के लिए ये घोषणा कर दी जाए कि किसी का प्राणांत ना किया जाए, किसी प्राणी को मौत के घाट ना उतारा जाए, सबको अभय दिया जाए। इसीलिए उनका नाम जन्मोपरांत अभय कुमार रख दिया गया। और जब कुणिक गर्भ में आया तब चेलना ने क्या कहा, याद है ना आपको, क्या कहा था चेलना ने, कहा था कि मुझे लगता है कि अपने सम्राट जो पति हैं मेरे सैनिक, उनके सीने का सारा खून चूस लूं। पूर्व भर्प का बैरी कोई इस गर्भ में बैठा है। धन्य है कर्म सिद्धांत की पराकाष्ठा, जिसने किसी ज्योतिष से नहीं पूछना होता, किसी और से नहीं पूछना होता, जब आपका एक मित्र बार 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 किसी दूसरे की बुराई में ही अपनी योग्यता समझता हो, फिर भी रे मित्र तुम उसकी मित्रता क्यों करते हो, तुम्हें नहीं पता ये पुद्गल शब्दों की वर्गणाएं तेरे चेतन के आत्म प्रदेशों को इतना गंदा कर देंगी कि तुझे नर से नारकी बनना पड़ेगा। जब तुझे पता है इतना कर्म सिद्धांत खरा है, तीखा है, फिर इसे सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों सावधान नहीं होता, जब कुणिक गर्भ में आता है तो परिणाम हो जाते हैं अपने पति के सीने का खून पी लूं, और अभय कुमार गर्भ में आते हैं तो घोषणा करवा दी जाए कि नगर में किसी को प्राणांत ना हो, कोई पीड़ा ना हो, अभय दान दे दिया जाए। समझ ले चेतन, समझ ले, आज भी दिन बाकी है। ऐसी मत मित्रता के हाथ बढ़ा जिससे मित्रता में ये विचार बन रहे हों कि मैं अपने गुरु से अलग हो जाऊं। गुरु की परंपरा को निर्वाह तो योग्य शिष्य करता है, लेकिन गुरु जैसा मैं बन जाऊं ये कभी शिष्य नहीं करता। पिता की
वंश को निभाने का कर्तव्य योग्य पुत्र का होता है, लेकिन पिता को मारकर उनकी संपत्ति को एकाधिकार करने का शायद कोई योग्यवान पुत्र कभी नहीं करता। आचार्य भगवंत कहते हैं, अपने आप समझ जाना कि कैसा परिणाम का जीव तुम्हारे घर पर जन्म ले रहा है और कैसे परिणाम का शिष्य तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे कानों में सिर्फ दूसरों की निंदा बुराई और अपने गुरु की तीक्ष्ण शब्दों से निंदा। क्या ये मित्रता कभी तुम्हें मित्र के सीढ़ी पर जिंदा रहने देगी? विचार करना। हम अपने और अपनों के प्रति तो अच्छे हैं, लेकिन जो अपने नहीं हैं उनके लिए भी अच्छे बने। मैं अपने मित्र और अपने गुरु के लिए तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो गुरु के गुरु हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, उनके प्रति भी तो अच्छा बनना है। ये सत्य हो सकता है कि अनुशासन बुरा लगता है, लेकिन ध्यान रखना, अनुशासन ही जीवन गढ़ता है। आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक अनुशासन रहता है तब तक नदी भी अपना उल्लंघन नहीं करती, और अनुशासन की बाढ़ जब हट जाती है, अनुशासन का बांध जब टूट जाता है, तो सुनामी की लहरें दौड़ जाती हैं। अनुशासन को इतना बुरा ना बताया जाए कि जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे वो देवता, और जो इच्छाओं पर रोक लगाए वो राक्षस। नहीं, जैन सिद्धांत कभी ऐसा नहीं कहता। जब तक अनुशासन का डंडा शिष्य के साथ रहता है तो वो शिष्य नहीं, वो गुरु से पहले भगवान बनता है। गुरु उसे देख लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 वर्ष के भद्रबाहु को भला क्यों ले जाते वो मुनिराज, जिसके अंदर ये भवितव्यता दिखाई दी। आचार्य भगवंत कहते हैं, हमेशा आप अपने परिणामों को कीमत समझें, मेरी दुर्गति ना हो। लाखों के दान से नहीं, करोड़ों के दान से नहीं, लाखों की चमत्कारताओं से नहीं, करोड़ों के बातों से नहीं, सिर्फ एक क्षण के परिणाम की कीमत बहुत बड़ी हुआ करती है। मेरे एक क्षण के परिणाम यदि दूसरे की निंदा में चले गए तो ध्यान रखना, मैं पर समय में चला गया। अगर मेरे परिणामों की विशुद्धि एक क्षण की स्व के लिए हो गई तो समझना, आपने स्वात्मा के लिए बहुत कुछ प्रदान कर दिया। अपने ही भाइयों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मारने का प्रयास किया। याद है ना, वो कौन थे? कौन थे वो? वो ऐसे जिनके कारनामों से वो जगती को धन्य कर चुके थे। माता पिता ने भी नाम रख दिया था धन्य कुमार। जरूरी नहीं है कि वो व्यापार नहीं जानता था तो कभी व्यापार नहीं जान पाएगा। ये बात हर कोई अपने दिल और दिमाग से निकाल दे कि यदि कोई आज चल नहीं पा रहा तो कल भी नहीं चलेगा। जो आज कुछ नहीं कर रहा तो कल भी कुछ नहीं करेगा। शब्दकोश के अंदर 3 शब्द आए हैं, एक कुछ कुछ और एक सब कुछ। दंभी अज्ञानी आत्मा कुछ प्राप्त करता है, लेकिन समझता सब कुछ है। उदार दाता आत्मा कुछ कुछ प्राप्त करता है, लेकिन समझता कुछ है। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा होता है, वो सब कुछ पाता है, लेकिन समझता है कुछ भी नहीं है। हमें ना दंभी बनना है, ना ईशालु बनना है, और ना उदार दाता बनना है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि दुनिया की सारी दौलत नहीं चाहिए, चाहिए तो सम्यक श्रद्धांत चाहिए, चाहिए
तो सम्यक आचरण चाहिए, चाहिए तो सम्यक विश्वास चाहिए, ताकि समीचीन विश्वास के साथ मैं भी समीचीन होकर के युग युग का विधाता बन जाऊं। सारे सहारों को छोड़ दो, बस पुरुषार्थ ये करो कि जिन सहारों से मैं रहता हूं, जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी कि ये मेरे सहारे बनेंगे। जैन दर्शन कहता है कि हे विज्ञात्मन, चिंता मत करना, कोई किसी का सहारा नहीं बनता, तू तो अपने अंदर वो विश्वास जगा जो वीतराग हैं, उनका सहारा पकड़ ले, सारी दुनिया तेरा सहारा हो जाएगी। बालम बनम भव जले पतताम जनानाम। हे आदिश्वर, तेरे चरणों का जिसने सहारा लिया वो बेसहारा नहीं हुआ, वरन पूरी दुनिया का सहारा बन जाया करता है, संसार में डूबने से बच जाया करता है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि अगर परिणामों की उद्विग्नता में आयु बंद हुआ, कृष्ण नील कापोत लेश्या में, कृष्ण या नील लेश्या के परिणामों से आयु बंद हो गया तो क्या होगा, याद है ना? अगर देव बन भी गए तो क्या होगा, ज्योतिष बन जाओगे, भवनवासी बन जाओगे, व्यंतर बन जाओगे। साधक की साधना व्यंतर ज्योतिष भवनवासी की नहीं होती, कल्पवासी की भी नहीं होती, नवग्रहवक की भी नहीं होती, ना वो सर्वार्थ सिद्धि में जाना चाहता है। उसकी भावना तो सिर्फ ये होती है कि मैं साधना के क्षेत्र में आया हूँ, मैंने दिगंबर मुनि अवस्था को धारण किया है, मैंने आर्यकाओं के उस पद को धारण किया है, नारी की कृत कृत अवस्था को प्राप्त किया है, इसलिए मैं कोहेण ना क्रोध ना करूँ, याचेण ना याचना ना करूँ, कलहेण ना कलह ना करूँ, फिर क्या करूँ, ना याचना करना है, ना क्रोध करना है, ना संक्लेश करना है, ना रौद्र परिणामों को जन्म देना है, सिर्फ संतुष्ट होकर जो दाता दे उसका भोजन कर लो, जो दाता कहे उसको सुन लो। आप साधु हैं और साधु बहुत बड़ा पद होता है, उस पद से अपने जीवन का निर्वाह हमें करना है, उस पद की विराधना ना हो, लोग साधु से भयभीत तो होने लगे, हम नहीं साधु बनेंगे, हम साधु पद को कभी मलिन ना हो पाए, इस तरह की संतुष्टि के साथ आहार लें, तो आचार्य भगवान को ये नहीं कहना पड़ेगा वो साधु साधु क्या, साधु नहीं, वो तो व्यंतर है।